यहाँ पे एग्जीबिशन के लिए इंडियन आर्मी और एयरफोर्स और नेवी का है, आपको बहुत कुछ चीज़ दिखाएंगे जो रियल में यूज़ होता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर देना, और चलो यार दिखाते हैं यहाँ का व्यू कैसा है। तो गाइस यहाँ पे कम्युनिटी हॉल के पास है, ये हर चीज़ खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन ब्लॉग। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आज के एग्जीबिशन हॉल और आज हम देखने जा रहे हैं आर्मी के कुछ स्पेशल वेपन। चलिए गाइस So guys, आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे दोस्त भी आए हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे बच्चे आए यहाँ पे और आपको दिखाएंगे अच्छा अच्छा जो वेपन जो यूज होते हैं आर्मी में। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कर देना और कमेंट कर देना। और गाइस देख सकते हैं मेरे दोस्त भी आए हैं यहाँ पे। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। सो गाइस अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे आपको सबसे पहले नाम और सिग्नेचर करना होगा, आप कौन से स्कूल से आए हो वो डालना पड़ेगा। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए। So guys, हमने एंटर कर लिया है। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये है 155 mm शेल स्पिनिंग स्मोक। देख सकते हैं आप इसका साइज, विड्थ, लेंथ, वेट। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा स्मोक बम है ये। रॉकेट लॉन्चर का नाम पिनाका। उसमें चार वर्जन है, मार्क वन, मार्क टू, पिनाका गाइडेड और पिनाका इनहेंस। तो उसमें हम लोग ये यूज करते हैं, ये इग्नाइटर है जो शुरू में इग्निशन का काम करता है, इग्निशन थ्रस्ट जो डेवलप करता है वो इग्नाइटर है। इसके आगे प्रोपेलेंट रहता है, वो जो मिसाइल रहता है उसमें प्रोपेलेंट रहता है, एमुनिशन रहता है, और उसके आगे फिर गाइडेड में GPS भी सेट किया हुआ है। गाइडेड का रेंज 60-70 किलोमीटर है। ये जो मार्क टू है उसका रेंज है 24-27 किलोमीटर। ओके, ये है R4 पायरोकटर। R4 पायरोकटर ये लाइफ सेविंग है। ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, अगर कोई पायलट है, फाइटर प्लेन है, उसको कुछ एक्सीडेंट हुआ तो उसको सेफली लैंड होना है, तो उसके लिए वो सेफली लैंड होने के लिए उसका वो उसका कंडीशन ऐसा रहता है कि वो सीट के साथ बंधा रहता है। उसके पीछे रडार रहता है, पैराशूट रहता है, उसको इजेक्ट होना है। तो इजेक्ट होने के लिए क्या करता है वो, सीट से अलग होने के लिए ये R4 पायरोकटर एक्टिवेट करते हैं। R4 पायरोकटर पूरा सीट लेके उड़ जाते हैं, सीट छोड़ के, सीट के साथ अगर वो लैंड करेगा तो उसको इंजुरी होगी, उसको प्रॉपर लैंड नहीं हो सकता है। तो ये R4 पायरोकटर एक्टिवेट करते हैं। R4 पायरोकटर कैनोपी भी उसमें छूट जाता है, और ये R4 पायरोकटर क्या होता है, अपना रोप कट कर देता है। मतलब ये सब फंक्शन एक साथ होते हैं, विदिन 3-4 सेकंड्स में होते हैं, और पायलट उसमें से इजेक्ट होके सेफली लैंड होता है। ओके, ये FGI फ्लेयर डाउन इंडिकेटर है। अगर फॉग होगा, एटमोसफेयर में फॉग होगा, या फिर एक्सट्रीम कंडीशन होगी जिधर फ्लाइट लैंड करना है, तो उधर ये FGI यूज होता है। जो ये रनवे रहता है, रनवे के दोनों साइड में ये लगाते हैं, और फिर रात में ये हाई ल्यूमिनोसिटी है इसमें, और 2.5 से 3 मिनट तक ये बंद करता है, तो उसमें एयरक्राफ्ट लैंड होता है। ये सिग्नलिंग के लिए लेके जाओ मत, सिग्नलिंग के लिए रेड, ग्रीन और येलो। ये इधर का किधर है क्या, ये एयरफोर्स और नेवी का प्रोडक्ट है। अच्छा। ये गन में से फायर करते हैं, ये सिग्नलिंग के लिए यूज होता है। ये 51 mm स्मोक है,
ये स्क्रीनिंग स्मोक है, 900 to 1200 meters का रेंज है। तो ये स्क्रीनिंग के लिए एक साथ बहुत फायर करते हैं ताकि अपना आर्मी का मूवमेंट हो सके, अपना टैंक का मूवमेंट हो सके, इसके लिए ये स्क्रीनिंग स्मोक है ये यूज करते हैं 51 mm। ये रियल है कि फेक है? नहीं है रियल, इसमें पाउडर डमी है, मतलब ये मॉडल है, मॉडल है। हम लोग रियल इधर रखेंगे तो कैसा होगा, रियल नहीं होगा, इधर से कोई लेके गया तो। ये जनरेटर स्मोक है, ये जनरेटर स्मोक ये भी सिग्नलिंग के लिए, कुछ एम्यूनिशन पहुंचाना है, कुछ फूड पहुंचाना है, तो उनको अगर सिग्नल देना है हेलीकॉप्टर को या फिर हवा से कोई आना, तो ये लोग ये सिग्नल के लिए यूज करते हैं। ये 3 kg प्रैक्टिस बॉम्ब है, ये एयर ड्रॉप करते हैं, एयर ड्रॉप से उसको डेंस स्मोक, व्हाइट कलर, येलो कलर का स्मोक तैयार करता है ये, फिर उधर से टारगेट सेट कर सकते हैं। ये 3 kg प्रैक्टिस बॉम्ब प्रैक्टिस में यूज होता है। ये मार्कर स्मोक व्हाइट है, ये नेवी का प्रोडक्ट है, इसमें बॉयंसी फोर्स एक्टिवेट होता है, इसमें ये जो बॉयंसी है इसकी वजह से पानी में तैरता है। ये नीचे वाला जो है इसमें वेट रहता है, ये पानी में नीचे जाता है पानी के लिए सबमर्ज, और ये फ्लोट होता है। अगर किसी शिप को कुछ सबमर्ज हुई या फिर कुछ एक्सीडेंट हुआ, पानी लीकेज हो गई, उसको सिग्नल देना है बाकी लोगों को, तो ये 17 से 20 मिनट तक ये स्मोक छोड़ता है, व्हाइट कलर का स्मोक है। अपने पास कलर वाला भी है मार्कर स्मोक, MMO भी कलर वाला स्मोक है, वो भी देता है, और ये व्हाइट वाला स्मोक है ओके, वही मार्कर ही तो है। हाँ मार्कर स्मोक व्हाइट, हाँ। और दूसरा है येलो, ऑरेंज वाला है, ऑरेंज देता है। नाइट में आर्मी जो रेस्ट लेता है ना, क्योंकि अभी आगे फायरिंग चल रहा है, तो क्या करते हैं लोग, पीछे लगाता है इसे, पीछे लगा के क्या है, अगर कोई आया तो ये क्या होता है, फंक्शन हो जाता है, इसको ऐसा लगाता है, जो है ऐसा लगाता है, लगा के सब इधर एक उधर एक ऐसा लगाते हैं, कोई बीच में आया जिसको वही रहता है, वैसे ही फंक्शन हो जाता है, पता चलते करके कोई तो आ रहा है दूसरा आदमी, तो इल्यूमिनेशन का ऐसा इल्यूमिनेशन देता है, लाइट चेक होता है, ऐसा लाइट देता है, लाइट पे रात में सेम तीनों का सेम पार्ट। तो गाइस आप देख सकते हो ये रात में बहुत काम आता है, टैंक के पीछे लगता है ये, जब अंधेरे में इसको लाइट बल्ब की जगह काम आता है ये। गाइस ये है जब अंधेरे में जब काम आता है, अंधेरे में जब वॉर जब चालू होता है ये, तो एक ऊपर जाके पैराशूट जैसा ऊपर जाता है, और ऊपर जाके इसे फोकस लाइट मारता है, तो आगे जो एनिमी होते हैं वो दिख जाते हैं अच्छे से अंधेरे में भी। तो आप देख सकते हो ये है ऐसा, एकदम रियल है ये। फ्री फायर में नहीं होता स्मोक का? अच्छा वो है। गाइस ये हमको मिल गया, फ्री फायर के स्मोक है ये। इससे एक जेट बनता है और फोग निकलती है, ये भी फोग ही थे ये वाला। हाँ हैंड कंट्रोल है, इससे हैंड कंट्रोल कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकता है। क्या होता है उससे? हाँ स्नेक स्विच है। अच्छा सांप पकड़ लिया। हाँ ये ना
त्याची 5 किलोमीटरची रेंज आहे. हा जमिनीपासून 500 मीटर अंतरावर 800 मीटरचा एरिया कव्हर करतो. याला इथं प्रायमरी काट ते लावून ॲडमिटिंग चार्ज जे पेटतात तो फायर झाल्यानंतर त्याला फ्यूज जोडलेला असतो. याला 34 सेकंदवर आपण 81 याला सेट करतो. ज्यावेळेस एकूण फायर झाला तेव्हा याला एक स्ट्रायकर असतो एक ते फंक्शन होतं म्हणजे 34 सेकंदवर इथून ओपन होतं. ओपन झाल्यानंतर हे बाहेर पडतं डायरेक्ट पॅर जोडलेला दिवस पॅरशूट ओपन होऊन आपण पेटतो. तसंच हा 15 लिमिटिंग आहे हा सिग्नलसाठी ग्रीन आपण आर्मी वापरतो आणि हे हँड प्लेअर म्हणून आहे हे नेव्हीसाठी वापरतात. आता काम इमर्जन्सी काही प्रॉब्लेम वगैरे झाला तर याला फायर करून असं फायर केल्यानंतर या असं होतं. इमर्जन्सी बुडतं वगैरे शिपमधून पडलं वगैरे काय त्यासाठी वापरतो. आणि हे सिग्नल प्लेअर आहे हे पानबुडीसाठी वापरतो म्हणजे डिपमध्ये जास्त 177 ला याच्या कामामध्ये. आणि हे थंडर फ्लॅश आहे हे बुलेट सारखं आहे म्हणजे गोळीसारखं आपल्याला संपत आपल्या इमर्जन्सी नाही नाही याच्यामध्ये बुलेट ओके याच्यामध्ये हिंदी बोलो ना हिंदी बोलो ना हिंदी बोलो हिंदी. ये हैंड फ्लेयर करके प्रोडक्ट है नेवी का इसका इमरजेंसी के लिए यूज होता है. इसका रेड हैंड फ्लेयर बोलते हैं रेड सिग्नल के लिए इसका यूज होता है. जैसे ये 51 इल्यूमिटिंग ग्रीन सिग्नल के लिए यूज होता है. जैसे अंधेरे में लड़ाई चालू है इसमें पैराशूट रहता है पैराशूट ओपन होके वो ग्रीन सिग्नल दिखाता है. वैसे इल्यूमिटिंग 51 और 151 वर्जन है. भाई साहब देख सकते हो ये कितना भारी गन है. ये चलते भी है क्या? ये गोली डालेगा तो गाइस ये इनके बुलेट है इसको सेल बोलते हैं. जब इसके अंदर आएंगे तो फायर होगा. ये आर्मी नेवी एयरफोर्स ट्राई करने क्या चीज है रिमूवेबल बिफोर आफ्टर. सो गाइस आपको यहाँ पे एंटर करने के बाद ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहू रोड का पूरा ये मैप दिख जाएगा. और ये मैप देख सकते हो ये पूरा मैप है ये पूरे एरिया का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहाँ पे ये सब जितने आप देखोगे सब यहीं पे ये सब बनते हैं ये सब जितने गोले बारूद है ये सब. सो गाइस ये देख सकते हो ये वाइट स्मोक है जब अंधेरे में काम आता है छुपने के लिए. लेकिन अभी बाबा आदम से का तो गाइस ये फ्लेयर है ऊपर जाके रेड कलर का सिग्नल देता है आप देख सकते हो. ओ ये क्या चीज है? अबे सारे भैया कलर वाला दिवाली पटाखे हैं. पटाखे दिवाली के बुलेट बम वगैरह. तो गाइस ये देख सकते हो ये क्या बोलते हैं ये भी गाइस देख सकते हो गाइस ये फ्लेयर है ग्रीन कलर का येलो कलर का रेड कलर का ये अलग अलग सिग्नल देने के लिए होते हैं. और ये क्या चीज है? अबे भाई गैस वाले सब गैस. अच्छा ये गैस वाले है ये लाइट का गैस का भाई सब. तो गाइस आप देख सकते हो ये ऊपर जाके फटता है ये सो गाइस ये मोटार बम है ये ऊपर से जाके मोटार से इसको लॉन्च करते हैं. आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर का अलग अलग है ये डमी है ये और ये ब्लैक कलर का है सेम वही है सब कुछ. और ये वाइट कलर का है इसमें सब अलग अलग कलर की वजह से अलग अलग सिग्नल होते हैं. सो गाइस गाइस यहाँ पे मतलब हाँ तो इनके यहाँ चलते हैं. अंकल अंकल थोड़ा आप बताओ इनके बारे में. मार्कर मैन और ये ना शेल है. कितना वेट होगा इसका? 15 केजी. ये सब स्मोक्स है ना? सब स्मोक है. यूज कहाँ होते हैं ये कहाँ यूज? नेवी. तो गाइस लोग देख सकते हो नेवी में यूज होता है और ये आर्मी में यूज होता है. तो ये पूरे स्मोक ही स्मोक है और इसका एक का वेट होता है कम से कम 15 केजी के आसपास. तो बहुत भारी होते हैं ये. 105 mm का है ये ऑरेंज है और ये रेड है और ये लिखा नहीं है
ये रेड है, ये ऑरेंज है और ये ब्लू है, तीनों का सिग्नल के लिए होते हैं, अलग अलग सिग्नल देने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है देसी कट्टा, ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में आपको बहुत मिलेगा। गोली हो, मर्डर हो, किडनैपिंग हो, सब जगह यूज होता है ये, तो थोड़ा बड़ा वेरिएंट है। चलो गाय से चक्री जैसा है कुछ, पिनाका रॉकेट बोलते हैं इसको, पिनाका रॉकेट की चक्री है, आग लगाने के लिए होता है। देख सकते हैं जैसा कि आप थोड़ी सी आग लगाई, उसने आग पकड़ ली, चक्री की तरह चल गई और हमें मजा आ गया। वाह, ओ ये बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है। तो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ से, तो आप देख सकते हो बाहर रंगोली बना है बहुत अच्छा सा। समा है तुम रह सके तो रब, तो पूरा अंधेरा हो चुका है। अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसे जीत। सो गाइस आप बाहर आते हैं यहाँ पे आप लोग सिग्नेचर कर सकते हो। ये सिग्नेचर है, ये BTS सिग्नेचर है। ये देखिए दोस्तों, देखिए पहले देखिए, अच्छा अनपढ़ कट्टा लिख दे कट्टा। हाँ देखिए, अरे एक मिनट रुक गाइस, ये BTS की फैन फॉलोइंग देख सकते हो आप लोग, आप देख सकते हो ये पूरा BTS से ही भरा है ये, मतलब यार अपने आर्मी में भी एग्जीबिशन में भी BTS ने जगह नहीं छोड़ा गाइस, दो दो BTS। तो गाइस यहाँ पे आप फोटो भी ले सकते हो, यहाँ पे फोटो के लिए बना रखे हैं और यहाँ पे दो रॉकेट भी रखे हैं। अरे गाइस ये देखो हमारा नया सब्सक्राइबर है बच्चा, हमको यही मिला था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप फोटो ले सकते हो मस्त सा। चल यार चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादातर जो सिग्नेचर मिलेगा APS स्कूल के मिलेंगे, APS के बच्चे बहुत हैं यहाँ पे, यहाँ पे ज़्यादा APS वाले बच्चे आए हैं इसमें एग्जीबिशन में। तो दोस्तों पूरा APS ही भरा है हर जगह, आप लोग देख सकते हो APS। सो गाइस अभी खत्म हो चुका है, अभी हम घर जा रहे हैं। चलो गाइस बहुत अंधेरा भी हो चुका है, और गाइस आप इसको सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारी तनख्वाह नहीं मिलती हमें, एक लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए, हमने इतनी मेहनत करके बनाई है, एक रुपया तक नहीं मिला, 6,000 किए हैं। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे हमारी मर्सिडीज लगी है, जल्दी उठा के जाएंगे अभी लोग, अभी BMW बुक किया, जल्दी आने वाले हैं तो आपको वीडियो में दिख जाएगा। सो गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है, मेरा जैकेट था अंदर और उसी के अंदर चाबी था, मैं जैकेट ही बंद कर दिया और चाबी भी उसी के अंदर है। सो गाइस अब देखते हैं सीट का क्या करना पड़ेगा, स्कूटी का चाबी उसी के अंदर है, ये तो निकलेगा ही नहीं गाइस। सोच रहा हूँ गाइस स्कूटी का सीट काट दूँ। सो गाइस हम लोग घर जा रहे हैं अभी, तो आपको बताना वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, अब एकदम अंधेरा हो चुका है।